बिहार विधानमंडल मॉनसून सत्र के 21वें और अंतिम दिन आज विपक्ष जो है वो हंगामा कर रहा है। हम उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ उनका मामला है, किन चीजों को लेकर आप लोग। देखिए, जिस तरीका का बाढ़ बारह जिला में आया है, सभी जिला का हालत गंभीर बनी हुई है और बिहार सरकार नींद में नहीं रख के सोई हुई है। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा बेटा पटना। कहीं कुछ काम कर नहीं रही है और सिर्फ अखबारों में और विधानसभा में बयान देने से गरीबों का कल्याण होने वाला नहीं है। हम लोग खास कर करके आज सदन के बाहर और सदन के भीतर हम भारत सरकार से और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि इसके लिए विशेष माने पैकेज का प्रावधान करिए और विशेष पैकेज के प्रावधान करके और बाढ़ में जिन लोगों का घर गिर गया है, जो बाढ़ में खाने के लिए जो लोग भूखे मर रहे हैं, ये तमाम स्थिति बन गई है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि राष्ट्रीय बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा के रूप में घोषित करना चाहिए और कम से कम केंद्र सरकार, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं गरीबों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, दबे कुचले सुस्तों की बात करते हैं, तो ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि हमें विशेष पैकेज इसको देना चाहिए और विशेष पैकेज देकर करके और विशेष सुविधा बाढ़ पीड़ितों को करनी चाहिए। जो बाढ़ को लेकर आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, देखा जाए तो 6,000 रुपए बाढ़ पीड़ितों के अकाउंट में पहुंचा दिए नीतीश कुमार ने, क्या कहेंगे? नहीं, 6,000 रुपए या तो दिग्भ्रमित करने का, जो भारत सरकार ने विशेष पैकेज का चर्चा की थी, लोगों को बोला था विशेष पैकेज देने का काम करेंगे, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, उनको छोटे छोटे बच्चे मर गए हैं, अभी तक कोई देखने के लिए नहीं गया है, न तो उसका कोई व्यवस्था किया, अभी तक सब त्राईमाम है। इसलिए हम लोग भारत सरकार से मांग करते हैं और राज्य सरकार को कहते हैं कि आप जो है विशेष राज्य का पैकेज का मांग करें और विशेष बाढ़ राहत का जो है मांग करें। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? बाढ़ राहतों को अभी तक सीधा नहीं मिल पाए हैं। हम लोगों का डिमांड है कि केंद्र सरकार बाढ़ राहत के लिए पैकेज दे। ये जो विपक्ष है ये लगातार हंगामा कर रहा है और इनकी मांग यही है कि बिहार विधानमंडल मॉनसून सत्र के आज 21वें और अंतिम दिन जो विपक्ष जो है वो बाढ़ में जिस तरह से इनकी जो मांग है कि राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए। हम एक और विधायक से जुड़ेंगे, क्या कुछ आप लोग मांग कर रहे हैं? भरारी विधानसभा में गंगा और कोसी बरंडी तीन नदी से भयंकर कटाव हो रहा है, लोग विस्थापित हो गए हैं, उसका स्थायी समाधान की मांग हम करने के लिए हम लोग आज आपके सामने खड़े हैं। तस्वीरों में आप फिर से एक बार देख लीजिए किस तरह से विपक्ष जो है ये हंगामा कर रहा है और इनकी जो मांग है वो यही है कि जिस तरह से बिहार में बाढ़ की जो स्थिति बनी हुई है उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है और स्पेशल पैकेज की मांग कर रहे हैं। बिहार में जो बाढ़ है उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, इसकी मांग आज बिहार विधानमंडल मॉनसून सत्र के आखिरी दिन विपक्ष कर रहा है। ये देखना दिलचस्प होगा कि आज ये बिहार विधानमंडल मॉनसून सत्र का जो अंतिम दिन है, इस दिन राजद जो है वो अपनी इस मांग को लेकर क्या सरकार से मांग करता है और सरकार क्या उनकी इस मांग को मानती है या नहीं मानती है, ये देखना दिलचस्प होगा। देश दुनिया बिहार की छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए livecities.in पर जरूर जाएं। धन्यवाद।